अगर कंफ्यूजन है तो मैं अभी ही बता दूंगा कि ये जो इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 के बराबर है फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ये आपको समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, सारे बच्चे बिल्कुल, सारे बच्चे ठीक है। यस यस यस, रोटेशन डिफाइन ही नहीं उसका नहीं हो पा रहा, इसलिए 0 लेके चलेंगे। यस ऑलवेज इट विल बी 0, ऑलवेज ऑलवेज। यस पॉइंट है इसीलिए, क्योंकि रोटेट करेंगे एक पॉइंट को पकड़ेंगे दूसरा घूमेगा, तो हमारे पास पॉइंट पकड़ने के लिए नहीं है ना, इसलिए ठीक है। और इसके अलावा एक और लॉजिक है, उसको याद रखो ना, कि आपने क्या पढ़ा कि अगर कहीं पे एन एटम प्रेजेंट है, n is equal to number of atom, then total degree of freedom is equal to what? 3n, ठीक है। अब total को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, transitional, rotational और vibrational, तो transitional ही monatomic का 3 हो गया, तो बाकी बचा rotational, vibrational, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि इनका सम इसके बराबर होता है 3n के बराबर, और अगर इसमें n का वैल्यू 1 है और n में 1 पुट कर देंगे तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का सम 3 के बराबर है, जिसमें ये ऑलरेडी पहले 3 हो चुका है, तो बाकी जो बचे उनको क्या होना पड़ेगा, 0 और 0। समझ गए? ऐसे याद रखना है, पूछ देगा कभी भी कि बताओ ट्रांजिस्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना है, तो 3, किसी भी टाइप के गैस के लिए 3 3 3 3 3, सभी के लिए विथ रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। वैसे टेबल बहुत है टीचर याद कर लो, लेकिन मैंने रीजन बता दिया आपको कि तीनों एक्सिस में चलेगा, फिर कोई भी हो, क्योंकि मोशन तो करेगा ना, ठीक है। इसीलिए तो आप पढ़े होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वीआरएमएस वीएमपी है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीड हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मोशन का, ठीक है। तो ये चीज आ गया आपका मोनो। अब देखो बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं, जरा सुनो ध्यान से, फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखना, डायटोमिक गैस में 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं ओ डबल बॉन्ड ओ का, ठीक है, ओ डबल बॉन्ड ओ का, तो ये जो गैस है, ठीक है, ये एक ऐसा लाइन बना रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ दें, ऐसे ये रोटेट कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, और अगर इसको पकड़ दें तो भी ये भी रोटेट कर सकता है। तो कंडीशन है बच्चों कि ये तो लीनियर है, तो ये तो किसी ना किसी प्लेन पे ही रहेगा, आइदर एक्स वाई पे, वाई जेड पे या एक्स जेड पे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये रोटेट करेगा उस टाइम पे इसके रोटेशन को डिफाइन करने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट लगेगा वो 2 कोऑर्डिनेट लगेगा, जिस प्लेन पे रहेगा उनके एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जैसे ये मार्कर एक पॉइंट पे एटम है, दूसरे पॉइंट पे एटम है, इसको हमने यहां रख दिया इस प्लेन पे, तो ये घूमेगा इस तरीके से, इसी प्लेन पे घूम रहा है ऐसा, तो इस प्लेन पे अगर घूम रहा है, इस प्लेन में मान लो एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, तो इसका जो रोटेशन है वो डिफाइन होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका एक्स वाई, और मान लो अगर वाई जेड प्लेन में घूम रहा है, इसका रोटेशन डिफाइन होगा कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड। अगर एक्स जेड में घूम रहा है तो रोटेशन डिफाइन होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका एक्स और जेड, मतलब कुल मिला के एक बार में इसके रोटेशन को डिफाइन करने के लिए 2 ही एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि फॉर डायटोमिक गैस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करूं इस लीनियर पॉलीएटॉमिक का, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, तो ये भी बिल्कुल किसकी तरह है, ये भी तो बिल्कुल डायटोमिक गैस की तरह है, ये भी एक लाइन पे है, मतलब ये भी किसी ना किसी प्लेन पे ही रहेगा, आइदर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, मतलब इसका रोटेशन होगा या तो एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे या एक्स जेड प्लेन पे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप गैस ले लो जो लीनियर टाइप का है। तो जब इसके रोटेशन को डिफाइन करेंगे तो हमें इसमें भी 2 ही कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, आइदर एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपको पूछता है कि डायटोमिक गैस के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो 2 होगा, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा,
उसके लिए भी टू ही होगा, ठीक है। तो कंडीशन है कि हम यहाँ लिखने जा रहे हैं सीधा सवाल, क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर डायर का भी गैस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, और जो लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है इसके लिए भी क्या आपका 2। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस का, जैसे कि CH4, ये H है, ये H है, ये H है और ये H है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है थीटा 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा होता है। अब देखो इसका थीटा ये है और ये थ्री डायमेंशनल है बच्चों, ये एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी है। जब भी ये ऐसे रोटेट करेगा, इसका जब आप कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन होगा, जेड के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब ये घूमेगा, इसका रोटेशन होगा, तो उस टाइम पे इसके लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक साथ तीन तीन एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, एक्स का, वाई का, जेड का। तो इसी वजह से अगर आपको कोई पूछे कि बताइए नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधा आप क्या बताओगे बच्चों, इक्वल टू 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब इसको यहां पे हटा देंगे, क्या आ गया फिर एक साथ, मोनोएटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल क्या हो गया 0, डायटॉमिक के लिए क्या हो गया 2, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो गया 2, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो गया 3। ये 3 क्या है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपका मुझे आंसर चाहिए, यस और नो, अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछो, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ टेबल में फिर बोलेंगे सर वापस पूरा बताओ, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, अभी बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। सारे बच्चे लेकिन मैसेज करो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट की मैसेज की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर एक बार आप देख लो कि यहां पे n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, लीनियर पॉलीएटॉमिक है, n का वैल्यू n है, हमें नहीं पता वो क्या होगा, पॉलीएटॉमिक है वो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहां पे भी n का वैल्यू n है, ये 4 5 6 7 4 2 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। फिर मेरी बात को जरा सुन लें कि ये चूंकि मोनोएटॉमिक है, इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेके चलेंगे 0, जो डायटॉमिक है वो एक ही लाइन पे रहेगा ऐसा, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा, इसके रोटेशन को डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर वर्ड जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर हुआ, एक लाइन पे रहेगा, मतलब इसी की तरह, ठीक है, जैसे CO2 हमने एग्जांपल में लिया, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो एकदम O2 की तरह है, तो जैसा रोटेशन O2 कर रहा था वैसे ये भी करेगा, मतलब जैसा डायटॉमिक वाला कर रहा था वैसी कौन कर रहा है, लीनियर वाला, कौन सा, पॉलीएटॉमिक। तो मतलब इसके रोटेशन को डिफाइन करने में भी हमें सिर्फ दो ही पॉइंट का, एक्सिस का, दो ही कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। पॉलीएटॉमिक में भी आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल वाला वो 2 हो जाता है, और जो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है उसमें भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉन लीनियर है, जैसे CH4 तो उसमें मोर देन 2 एटम है, पॉलीएटॉमिक हो गया। दूसरी बात, वो नॉन लीनियर है, मतलब 3D में है, तो जब रोटेट करेगा तो 3D में रोटेट करेगा, और 3D में रोटेट कर रहा है तो 3D में तीनों एक्सिस होता है, एक्स वाई और क्या आपका जेड। तो इसी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो तीन तीन जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसका जो हम लोग लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना लेके चलेंगे बच्चों, तो 3 लेके चलेंगे। तो ये आपका कंडीशन हो गया। अब मेरी बात को जरा समझ ले कि आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल का बात समझ ले, जैसे आप देखते हैं किसी रॉड को आपने लिया, बहुत ज्यादा उसको हीट करते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा, तो हीट करने पे वो रेड हो जाता है, रेड लाल टाइप का, और गर्म करते जाओगे तो लिक्विफाई होने लगता है। उसमें एग्जिट होता क्या है कि उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते ऊपर नीचे, बहुत फास्ट, ठीक है। लेकिन ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी एक्टिव होगा जब टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा हाई कर दोगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब वाइब्रेशनल को एक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर हम नहीं करेंगे,
कभी भी, ये बात भी अपने दिमाग में फिट कर लो, जब भी प्रॉब्लम बोलेगा कि आप वाइब्रेशनल को कंसीडर करो, तभी आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं वाइब्रेशनल के बारे में, अभी ये नॉर्मल हम लिखेंगे जरूर कि हाँ इतना होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कभी भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होगा एट हाई टेम्परेचर और नॉर्मल हाई नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर। और उसमें क्या होता है कि पार्टिकल अपने एक्सिस पे ऊपर नीचे ऐसा ऐसा किधर भी जाके वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे खटखट, समझ रहे हो। तो अब देखो ये दो लाइन अगर आपको याद हो गया, ठीक है, बाकी तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कैसे वो देखिए। पहले हमने बताया ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3333 सबका, ये बिल्कुल सबको समझ में आ गया। दूसरा बात है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 0, इसका 2, इसका 2 और इसका 3, क्योंकि ये एक लाइन पे है, ये एक लाइन पे है, इसीलिए ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद है आपका वाइब्रेशनल। अब देखो वाइब्रेशनल में सीधा बात समझ लो कि इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 3n के बराबर, बिकॉज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3n में रोटेशनल और वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांजिशनल को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अब यहां पर आ जाइए, यहां पर कंडीशन है, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3n माइनस ऑफ 5, ठीक है, ये देखिए 3 और 2 ये दोनों मिला क्या है 5, तो 3n में 5 माइनस कर देंगे। अब चूंकि ये डायटॉमिक है, चूंकि ये डायटॉमिक है तो n का वैल्यू यहां 2 पुट करोगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6, 6 माइनस 1 करके कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। बट 1 करके रटो मत, नॉर्मली इसको क्या याद करेंगे आप 3n माइनस ऑफ 5, बस ये। इसके बाद आप यहां पर आ जाइए लीनियर पॉलीएटॉमिक, तो ये लीनियर पॉलीएटॉमिक है, पॉली में सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 एटम रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा, हमें तो नहीं पता ना कितना है, वो तो प्रॉब्लम डिसाइड करेगा, जब प्रॉब्लम देगा उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो यहाँ पे इन जनरल हम क्या लेके चलेंगे, n एटम। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों 3n, 3n में 3 चला गया ट्रांजिशनल में, 2 चला गया वाइब्रेशनल में, यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका 3n माइनस 5, ठीक है। बट यहाँ पर आ जाओ, ये जो आपके पास है नॉन लिनियर पॉलीएटॉमिक, ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करेंगे ये कितना देगा बच्चों 3n माइनस ऑफ क्या आपका 6, तो ये कंडीशन है। अब इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 टोटल यहाँ पे कितना हो गया 6 और यहाँ पे टोटल एटम कितना है n, तो टोटल हमारे पास कितना होता है 3n और माइनस क्या कर देंगे आप 6, तो 3n माइनस 6 कर दिए तो हमारा क्या निकल गया नॉन लिनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास निकल गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कुल मिला के रोटेशनल और ट्रांजिशनल का वैल्यू फिक्स है परमानेंटली, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज कौन सा होगा वाइब्रेशनल, और ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने एटॉमिसिटी वाले गैस को लिए हो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक हो या फिर आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक हो। जैसे एग्जैक्ट अगर बात करता CO2 का, सपोज बच्चों एग्जैक्ट CO2 का बात कर रहा है, मान लो हम पहले स्ट्रक्चर बना के इसका देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग लगा के, तो हम केमिकल बॉन्डिंग अगर इसमें लगाते हैं अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू हाइब्रिडेशन इज व्हाट sp, हाइब्रिडेशन इज sp, देन ये कैसा हो गया लीनियर, ऐसा एक लाइन पे रहेगा उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है, यहाँ सेंट्रल एटम रहेगा, यहाँ सराउंडिंग एटम रहेगा और यहाँ कैसा है लीनियर है, तो अब ये लीनियर है आपका। अब लीनियर है यहाँ पे टोटल कितने एटम है, काउंट करो यार एटम 1 2 और 1 क्या आपका 3, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, इसका ये ट्रांजिशनल कितना 3, ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल कितना 2, रोटेशनल 2, ट्रांजिशनल 3, तो वाइब्रेशनल क्या जाएगा बच्चों 3n माइनस क्या आपका 3n माइनस क्या आपका 5, ठीक है। अब देखो 3 × 3 क्योंकि नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 3 है, तो 3n 3 × 3 माइनस ऑफ क्या आपका 5, यहाँ पे आ गया 6, 9 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों 4, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग इतना रट नहीं सकते, तो ये हो गया इन जनरल केस, ठीक है। चलिए एक बार अभी टेबल हम भरेंगे और आपके प्रेजेंस में भरेंगे, ठीक है,
और भरने से पहले फिर हम आपको बता दें, वापस सारी चीजें आपको बता देता हूँ, और सभी का आंसर आना चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट का, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी का रिप्लाई आते रहना चाहिए, बिल्कुल है ठीक है बच्चों। फिर यहाँ देखो सीधा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एन एटम है वहां टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 3n के बराबर, ठीक है 3n के बराबर होगा। अब ये पूरा मिटा दिए, ठीक है पूरा मिटा दिया, देखो मेन है कितना रीजन रीजन आपको कहीं नहीं पूछने वाला, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए ठीक है, ये सब हटा दिए, सब मिटा दिए ठीक है, सब मिटा दिए, क्लियर बच्चों। अब हटा दिए, अब देखो हम आपको बता रहे हैं ट्रांजिशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल तीन पार्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इन तीन पार्ट में से वाइब्रेशनल जो है नॉर्मली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं देगा तब तक वाइब्रेशनल वाला एक्टिव नहीं होगा, और आपको प्रॉब्लम में कंसीडर करने वाइब्रेशनल बोलेगा तभी आप कंसीडर करना, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना ठीक है। चलो अब अगर नॉर्मली मैं पूछूं, बताते जाओ कि मोनोएटॉमिक के लिए ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, गिव मी आंसर प्लीज ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सारे बच्चे रिप्लाई करो, बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं आपको, सारे बच्चे रिप्लाई करो, रिप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 4 डायटॉमिक बताओ क्या होगा, फॉर डायटॉमिक बताओ ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 ट्रांजिशनल क्या होगा, 3 ट्रांजिशनल 3 ठीक है, उसका लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा, 3 नॉन लीनियर के लिए भी क्या होगा, 3 तो इस लाइन में सभी का 3 3 3 3 हो गया बिना किसी दिक्कत का, पॉलीएटॉमिक में कैसा भी हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है। अब जैसे इधर आ जाओ रोटेशनल, तैयार रहना जैसे पूछेंगे बोलना जवाब देना चालू कर देगा, चलिए बताओ बच्चों यहां बताओ इसका क्या होगा, सारे बच्चे आंसर दिए 0, बहुत बढ़िया वेरी गुड, इसका क्या होगा डायटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, 2, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, 2, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी छूटा तो मेरी नाकामी होगी क्योंकि मैंने सबको पढ़ाया है तो सभी से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 3 सही जवाब। अब देखो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों, 3 है, तो यहां बताओ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्या हो जाएगा, 0, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें कितना हो जाएगा डायटॉमिक के लिए, फॉर डायटॉमिक के लिए बिल्कुल सही जवाब 1 होगा, लेकिन आप ऐसे लिख दो यहां पे 3n-5 ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए यहां भी लगा देंगे 3n- क्या आपका 5, यहां पे क्या कर देंगे बच्चों तो 3n- क्या आपका 6 ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या होता है सारा बात आपको बता दिए, बट वाइब्रेशनल में याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट एक्टिव एट नॉर्मल टेम्परेचर, सो अनलेस अदरवाइज मेंशन देन वी विल यूज व्हाट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे हम नॉर्मली उसका यूज नहीं करेंगे ठीक है बच्चों ठीक है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन हो जाए, तुम लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो, चलो इतना सा बात है मुझे पढ़ाने दिया करो ठीक है अच्छे से, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं जाने दूंगा, तुम लोग बड़ा डरो डरा नहीं करो, समझा करो बात, पहली क्वेश्चन क्रिएट ना करो दिमाग में ऐसे ऐसे कैसे, पहले टॉपिक एंड होगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखो कंडीशन से यहाँ पे लिख दिया हीलियम ठीक है, बोलेगा बताओ इसका यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो फट से जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, गिव मी आंसर प्लीज सारे बच्चे, n का वैल्यू कितना मेरे भाई, n का भाई मेरा n का वैल्यू 1 है, यहाँ नंबर ऑफ एटम 1 है हीलियम ठीक है यस। अब बोल रहे बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 3n, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 मतलब क्या 3 हो जाएगा ठीक है, क्लियर बात। अब अगर आपसे पूछा बताओ ऐसे कि ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होगा, तो आंसर दीजिए 3 और इसका दिए क्या बच्चों 0 और ये क्या 0 ठीक है यस, ऐसे निकालना है बस और कुछ नहीं करना है आपको, समझ लो बात ठीक है। चलिए इसके अलावा कोई भी हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, सभी के लिए ऐसे निकलेगा जो भी मोनोएटॉमिक गैस होगा बिना किसी दिक्कत का ठीक है। चलिए इसके बाद आपको हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, ये सब डायटॉमिक टाइप का गैस है, डायटॉमिक टाइप का, या फिर इन जनरल X2 लिख दे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना है? सारे बच्चे जवाब दीजिए, कसम है तुमको मेरा, सभी लोग जवाब दो। हाँ बिल्कुल, जरा इधर ना, टू, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोल रहा है कि बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे 3n, 3 टू जा क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ बच्चों अब अगर बोलेगा वही बात कि ट्रांजिशनल, तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बराबर, 3 के बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसके बराबर बच्चों, 2 के बराबर, और जो वाइब्रेशनल है वो 3 to 5, 5 को 6 में माइनस कर देंगे, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आपका 1, इन सभी के लिए 1 फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इसके बाद देखो बच्चों हम आपको आगे लेके चल रहे हैं, देखिए लीनियर सी डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो ये C3O2 और ये आपका CO2, इसका एब्रेशन भी SP, यहाँ पे इसका SP, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिर्फ काउंट करते किसको, सिग्मा बॉन्ड को, या एक मेथड होता है स्टेरिक नंबर मेथड, स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो सेंट्रल एटम पे, इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आता है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, ठीक है, SP3। ये भी नेट पूरा क्या है बच्चों, लीनियर, तो ये भी हो गया आपका लीनियर पॉली एटॉमिक, ये भी है लीनियर पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो लीनियर पॉली एटॉमिक में इसीलिए फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, नंबर ऑफ एटम वेरी करता है, डायटॉमिक में ऑलवेज 2, मोनोटॉमिक ऑलवेज 1, बट लीनियर पॉली एटॉमिक में नॉट ऑलवेज 2, 3, 4 और 5, डिपेंडिंग अपॉन गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, और कंडीशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे जल्दी से लिखो 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, C3O2 में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, C3O2 में कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया मनाली, बहुत बढ़िया अनुजा, बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या आ गया आपका, एन का वैल्यू 5 आ गया। तो ये बात अब हो गया। अब भाई ये भी लीनियर है, लेकिन अगर यहाँ लिखेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 × n, है ना, तो यहाँ पे मतलब 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या आपका 3n है, मतलब 3 × क्या आपका 5, कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकालने आना चाहिए, निकाल लिए तो देखो ये भी लीनियर है, लेकिन दोनों में क्या हो गया, बदल गया आपका, क्या बदल गया आपका, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशनल का अगर बात करें, ट्रांजिशनल का तो इसके लिए ट्रांजिशनल कितना होगा 3, इसके लिए भी ट्रांजिशनल कितना होगा 3 बराबर। अगर बात करें रोटेशनल का, इसके लिए कितना होगा 2, इसके लिए कितना होगा 2, ठीक है, समझ गए, रोटेशनल 2 होगा दोनों के लिए। अगर बात करें वाइब्रेशनल का मेरे प्यारे बच्चों, तो वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा 9 माइनस आपका 5 कितना आ गया 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। तो दोनों देखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग अलग आ रहा है, बस हाँ, नहीं कोई लॉ वॉ पे बेस्ड नहीं है, ये कोई फर्स्ट लॉ पे बेस्ड नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, ये नॉर्मली तरीका है, बताया गया ऐसे निकालना है इसका, बस और कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, इस तरीके से आप निकाल लिए सबका। अब देखो एंड में आपको एक और बता रहा हूँ, जो पॉली एटॉमिक है, मान लो पॉली एटॉमिक है, ठीक है, बट नॉन लीनियर है। जैसे आप देखिए SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और आपका CH4 गैस, तो अब आप देखिए ये भी इसका एब्रेशन sp2 होता है, इसका sp3 होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये क्या आपका टेट्राहेड्रल, तो ये लीनियर तो नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। यहाँ पे n का वैल्यू निकालो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, 1, 2, 3 और 1 क्या आपका 4, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 1 क्या आपका 5। देखो टाइम खत्म हो रहा है भाई, जल्दी फास्ट बताया कर तुम सब, ठीक है, ये आ गया n का वैल्यू दोनों के लिए। अब निकालो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे क्या आपका 3n करते हैं तो 4 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 × 3 करते कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, तो निकल गया हमारा क्या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिशनल का, तो ट्रांजिशनल दोनों में क्या होगा सेम ही होगा, इसका भी 3 और इसका भी 3,
दोनों का 3-3 विदाउट एनी डिफरेंस। अब अगर हम बात करें इसका बच्चों रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो भैया ये रोटेट करेगा ऐसा 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 झूम बराबर, जैसे डांस करते हैं ना वैसे एकदम, ठीक है, सारे एक्सिस में जाके। तो देखो जरा ये भी 3 और ये भी क्या आपका 3, सभी में 3-3 हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे यार समझ रहे हो, 3-3 समझते हो ना, मतलब वो डीजे बज रहा है एकदम डांस करते ना, कोई एक्सिस होता फिक्स नहीं होता, किधर भी इधर 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 जिधर मन किया नाच लिए जाके एक्स पे वाई पे जेड पे, तो फिर कैसा हो, कोई भी हो सब ऐसे ही करता है। तो इसका जो रोटेशनल है 3 है, इसका भी रोटेशनल क्या आपका 3। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल का, तो वाइब्रेशनल इसका हो जाएगा 12 माइनस क्या 3-3 6, क्या हो गया आपका 6 हो गया, और यहां पे 15 माइनस क्या आपका 6 क्या हो गया 9। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से मुस्कुराते हुए रिप्लाई करो कि बात समझ में आया कि नहीं आया, वो भी सारे क्वेश्चन सारी बातें, ठीक है ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब बात यह है कि सर काहे के लिए पढ़े हम ये सब, क्या जरूरत पड़ा, है ना, तो जरूरत बताता हूं बच्चों। सीबी कैलकुलेशन में हम लोग इसका जरूरत यूज करते हैं, और होता ही है कि सीबी इज इक्वल टू एन ट्रांजिशनल प्लस एन रोटेशनल, ठीक है, एन ट्रांजिशनल प्लस एन रोटेशनल। कंडीशन ये बच्चों कि सीबी में ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री फ्रीडम इच कंट्रीब्यूशन देता है आर बाय टू का, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे आर बाय टू एंड प्लस एन वाइब्रेशनल इनटू आर। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे किसी के लिए इस तरीके से बच्चों आपका निकल जाएगा क्या सीबी का वैल्यू, ठीक है। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला फॉर सीबी फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, ठीक है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, सभी टाइप का। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर लिखते तो इच ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कंट्रीब्यूट आर बाय टू व्हाइल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स कंट्रीब्यूशन इच आर, ठीक है, हर एक के लिए आर का कंट्रीब्यूशन देगा कौन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूशन कितने का देगा आर का, लेकिन जो ट्रांजिशनल है या रोटेशनल है ये कंट्रीब्यूशन कितने का देता है सीबी में आर बाय टू का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाया गया और इन जनरल बोला गया। अब इसमें भी एक बात है आपको यहां फिक्स करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो वाइब्रेशनल है ना वो नॉर्मली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ना उस टाइप में ये वाइब्रेशनल वाला एक्टिव होगा। जैसे डीजे बजता है ना तो कैसा रहता है, वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तब घुट घुट आवाज के लगता है बूम बूम, कब ऐसे अभी स्टार्टिंग में थोड़ी ना ऐसा कर लगता है, उधर वॉल्यूम बढ़ाओ है ना और हमको एकदम नाचने का मन है पागल की तरह, तो पूरा बढ़ाए जाते हैं वॉल्यूम, ठीक है, तो एकदम घूम घूम ऐसे आवाज कर लगता है, वाइब्रेट कर लगता है। तो बस वैसे ही जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तभी जाके वाइब्रेशनल वाला एक्टिव होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सुन लो मेरी बात, हाँ तो सुन लो मेरी बात, बात यह है कि वाइब्रेशनल एक्टिव वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा, तो जब जब प्रॉब्लम बोलेगा ऐसे बोलेगा मेरी तरह कि बाबू आप वाइब्रेशनल को कंसीडर करो, तभी वाइब्रेशनल को कंसीडर करना, नहीं तो फटाक इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, सिर्फ इसको लेके चलेंगे ट्रांजिशनल को और रोटेशनल को, और हर के लिए बच्चों हमने कंट्रीब्यूशन लेना है किसका आर बाय टू का। और आपको एक फॉर्मूला ही तो बता ही दिए थे कि CP माइनस CB इज इक्वल टू व्हाट बच्चों आर, तो यहां से अगर हम CB निकाल लेंगे फिर इसको प्यार से इधर भेज देंगे, बोले बाबू जाओ जरा उधर, तो CP जो हो जाएगा आर प्लस क्या आपका CB हो जाएगा, तो CB का वैल्यू पुट कर देंगे और आर उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा क्या आपका CP। क्लियर है बच्चों, बोलो क्लियर है, देखो मैसेज करने में तुम लोग जो है एकदम फास्ट मैसेज करो सारे बच्चे को,
जितने बच्चे सारे बच्चे मैसेज करिए, सारे बच्चे मैसेज कर दीजिए। और मैसेज चाहिए, और एनर्जी चाहिए, एनर्जी तुम्हारे मैसेज से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। कि सुबह सुबह नाश्ता देने वाला तो है नहीं हमारे साथ, क्योंकि ये किस चीज का, ये सीबी निकालने का फॉर्मूला है। सीबी कल जो आपने पढ़ा था ना, सीबी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीबी एंड सीपी इज व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये सीबी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बट सुन लो बच्चों, वाइब्रेशन को कंसिडर तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है वैल्यू ऑफ सीपी सीबी एंड गामा, ठीक है, वैल्यू ऑफ सीपी सीबी एंड गामा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फिर ये याद रखना, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है, तो बता ही दिए थे कल, और सीपी बाय सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, ये भी बता ही दिए थे आपको बच्चों, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अब देखो, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं किसका, फोर मोनो एटॉमिक गैस, फोर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। देखिए मोनो एटॉमिक गैस, इसमें कौन आएगा, वही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, जो भी है मोनो एटॉमिक, वो सारे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये आ गया। अब सुनो, हम सबसे पहले निकालेंगे सीबी, तो देखो ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल कंट्रीब्यूट आर बाय 2, तो बताओ इसका ट्रांजिशनल कितना होता है बच्चों, 3, तो 3 और प्लस रोटेशनल कितना होता है इसका, बोलते जाओ 0 और इनटू क्या होता आर बाय 2 और प्लस, मेरी बात को जरा गौर से सुनो, मोनो एटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और अगर कुछ वैल्यू होता फिर भी हम उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम में अभी कुछ बोला नहीं कंसीडर करने, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जब बोलेगा कि कंसीडर वाइब्रेशनल तभी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल नॉर्मली एक्टिव है हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसीलिए। तो ये आ गया बच्चों आपका, अब देखो यहां से क्या आ गया आपका, ये तो हो गया आपका 3R/2, this is equal to what आपका बच्चों, CB for monoatomic of gas, ठीक है, दिया निकल गया आपका CB का। अब इसको याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं, बोलेगा CB का वैल्यू क्या होगा monoatomic gas के लिए, तो फट से बता देंगे 3R/2, बोलेगा CP क्या होगा, तो CP minus CB is equal to क्या आपका R, तो CP equal to क्या आपका, CP is equal to क्या आपका CB और plus R, CB का वैल्यू क्या 3R/2 प्लस आर, प्लस हो जाएगा 3R/2 प्लस आर कितना बच्चों 5R/2, ठीक है। तो ये निकल गया अपना मोनोटॉमिक गैस के लिए CB, और CP भी हमने निकाल लिया कितना 5R/2, तो CP CB दोनों निकल गया बच्चों, फॉर व्हाट, मोनोटॉमिक गैस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके बाद क्या है बच्चों, अगर आपको मान लो निकालना है गामा, तो गामा का वैल्यू क्या बताए थे, CP बाय क्या होता है CB होता है, ठीक है। अच्छा फिर से बता देता हूं, देखो ये सीबी निकाले तो दिख रहा था, सीबी वाला क्लियर दिखा था बच्चों, सीबी का वैल्यू यहां पे कितना आ गया था आपका 3+0 × R/2, मतलब 3R/2 आ गया, ठीक है। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीबी और प्लस आर। अब जरा यहां देखिए, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा CB plus R, तो CB का वैल्यू कितना है बच्चों 3R/2 और प्लस R, ये कितना हो जाएगा आपका 5R/2, तो आ गया आपका CP का वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस 5R/2 और आपका CB का वैल्यू आपका 3R/2, ठीक है। अब अगर आपको गामा मान लो निकालना है, तो गामा का वैल्यू क्या होता है बच्चों CP by CB, तो CP का वैल्यू कितना है 5R/2 एंड डिवाइड बाय 3R/2, ये R/2 कैंसिल आउट, गामा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 5/3, ठीक है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस CB इक्वल टू 3R/2, CP इक्वल टू 5R/2 एंड गामा इक्वल टू 5/3, ओके बच्चों, ऑल क्लियर बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज,
थोड़ा फटाफट बच्चों फास्ट जरा दे दो आंसर एक बार, मैं आगे बढ़ू, फिर आगे बढ़ू, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो मेरे मासूम बच्चों। यस 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 यस, सेकंड है फॉर डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ठीक है, सीपी सीबी गामा, ठीक है। अब देखो डायटॉमिक गैस में O2 N2 टाइप का कुछ आ जाएगा, यहाँ N का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक है, N का वैल्यू 2 होगा। अब देखिए यहाँ निकालेंगे CB is equal to N transitional, इसका transitional कितना होता है बच्चों 3, rotational कितना होता है बच्चों इसका 2, R by 2 और plus vibrational कितना होता है 1, है ना, क्योंकि क्योंकि N का वैल्यू 2 है तो टोटल इसका 6 होगा, 6 minus 5 करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन vibrational को हम consider नहीं करेंगे क्योंकि problem में vibrational को consider करने हमसे नहीं बोला है, जब तक वैल्यू जब तक टेम्परेचर वेरी हाई नहीं रहेगा तब तक हम वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करेंगे, 99% केसेस में वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं होगा, याद रखना, हम 1% केसेस में करेंगे, कब, जब प्रॉब्लम आपसे कहेगा कि कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तभी, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया आपका, इस पार्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, इस पार्ट को छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे बच्चों, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या 5R by 2, ओके 5R by 2 आ गया, एंड उसके बाद जो CP है वो CB plus R, मतलब यहां से आ गया 5R by 2 और प्लस क्या आपका R, मतलब ये आ गया बच्चों 7R by 2, ठीक है 7R by 2 आ गया, यहां से जो गामा आप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा CP by CB 7R by 2 और डिवाइड बाय 5R by 2, ये कट गया, इधर से आ गया 7 बाय क्या बच्चों 5 आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो